मैं आपको क्लियर कट यहाँ सीधे शब्दों में बोल रहा हूँ कि आप लोगों की लाइफ बड़ी शानदार होने वाली है और ये सिस्टम कहीं नहीं जाना। सिस्टम ने अपने आप को दो जगह डिवाइड किया है। 30 जून 2022 से पहले जो लोग ज्वाइन हुए वो सारे सीट पार्टनर है, कंपनी के पार्टनरशिप में है, ऑनर्स है, और जो उसके बाद ज्वाइन कर रहे हैं उसकी लाइबिलिटी कंपनी की नहीं है। उनको सिर्फ हैंड टू हैंड फ्री कर दिया जा रहा है। वो सिर्फ यूजर भी इसमें होंगे, वो परलवाइन में अकाउंट ओपन कर रहे हैं, उसमें आपको HD गेम्स जो गेमिंग प्लेटफॉर्म पे है, क्योंकि मेटावर्स का बड़ा योगदान है, तो वहाँ गेम्स डाउनलोड करेंगे, वो डाउनलोडिंग का चार्ज देंगे, फिर गेम खेल के वो PVC मेटा जनरेट करेंगे, उसकी जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो आप 30 जून 2022 से पहले जितने भी लोग अकाउंट लगा चुके हैं उन सब में इक्वली डिवाइडेड कर दिया जाएगा। बट उसके लिए आपका सीड फंडिंग और फार्मिंग का होना बहुत जरूरी है। कुछ RNR जो रिवॉर्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन की वेट कर रहे हैं, उसमें आपका सीड फंडिंग का परफॉर्मेंस, उसके साथ साथ आपका टोकन फार्मिंग का परफॉर्मेंस, ये दोनों को कैलकुलेट किया जाएगा। उसके बाद आपकी पास्ट परफॉर्मेंस जो आपने परलवाइन में दी वो देखी जाएगी, देन यू विल बी रिवॉर्डेड, वो आपको मिलेगा। ये सारे नोटिफिकेशन आपको आए, पर कुछ लोगों ने आप लोगों को बरगला दिया और सही से गाइड नहीं किया। नतीजा ये रहा कि कुछ लोग यहाँ आज पर डे कमा रहे लाखों और कुछ आज धक्के खा रहे, इधर से उधर उधर भटक रहे। तो आज की कैलकुलेशन से आपको मैं क्लियर कर दूंगा कि सीड फंडिंग जिसने किया और जिसने सीड फार्मिंग किया उसको क्या मिलने वाला है और कैसे कैसे आपकी ग्रोथ होगी। तो सैलरी स्टार्ट ना हो रघु, मिस्टर रघु, क्या स्टार्ट करें कैलकुलेशन हम? जी सर, जी सर, जी सर, करिए जी। जी आज आपके सारे डाउट्स, मैं एक बात बोलता हूँ कि क्वेश्चन आंसर तो हमारा ना पिछले 4 या 5 महीने से चल रहा है, बट मैं आज आपको बिलीव दिलाता हूँ कि कुछ क्वेश्चन के आंसर तो मैंने अभी आपको दे दिए और बचे हुए आंसर मेरी कैलकुलेशन में आपको मिल जाएगा, तो क्वेश्चन आंसर की जरूरत नहीं पड़ेगी। और लास्ट टाइम हमारे एक गुजर भाई थे, उन्होंने एक सवाल पूछा था, तो आज भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा डायरी पेन लेके बैठना, यदि आप आए हो तो आज आपके सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। और आपको क्या, सारे लोगों को क्वेश्चन आंसर मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हमें समझ में नहीं आएगा हम दूसरों को नहीं समझा सकते। दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या होती है, हम समझते कम है और समझाते ज्यादा है, हम सुनते कम है और सुनाते ज्यादा है, इसी वजह से हमें इसलिए यदि आप मेरी आवाज आ रही है आप सबको? सर आपकी आवाज जी, तो मेरा मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है, आई होप आप सबको। जी सर, जी सर, मैं आ जाता हूँ अपने ट्रस्ट वॉलेट पे, यहाँ मैं गया ट्रस्ट वॉलेट पे। मैं पूरे आपको डिटेल से, ये वॉलेट मेरे को मिला है आज ट्रेनिंग के पर्पज से, इसे आप कुछ भी समझ सकते हैं, डेमो वॉलेट या जो भी व्हाटएवर, ये एक डेमो वॉलेट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसके थ्रू हम ट्रेनिंग से देते हैं। तो इस डेमो वॉलेट पे हम जाएंगे और यहाँ पे हम PVC meta.io पंच करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ जैसे हमने ये करा, यहाँ आपने सबसे पहले बाइनेंस स्मार्ट चेन पर हम काम करते हैं, ब्लॉकचेन जो है बाइनेंस का यूज कर रहे हैं अभी, लेकिन बहुत ही जल्दी आपके बीच में हमारा खुद का परलवाइन नाम का एक्सचेंज आ जाएगा, तो वो बाइनेंस को ऑटोमेटिकली सेकंड नंबर पे ला के रख देगा। और सीड फंडिंग और सीड फार्मिंग की पावर मैं आपको बता दूंगा कि क्या यहाँ से आप कमा सकते हैं, क्या आपको मिलेगा। ये एक वॉलेट है, डेमो वॉलेट है आप सबके लिए, यहाँ पर ये आप सबको सबको पता है, इसमें स्टैगर्ड हुआ है 612 और 117 रिलीज हुआ है, 113 विड्रॉल हुआ है, 3 अवेलेबल है और इसकी बाइंग बहुत अच्छी है, 915 है। बट ये तो आप सबको पता है, इसलिए आपको मैं बता दे रहा हूँ कि देखिए इसमें टोटल स्टैगर्ड 612 हुआ है, बट यहाँ पे यदि मैं बात करूँ ये टोटल 915.45। अब आप यहाँ पे इस चीज को समझने की कोशिश करिए कि इस वॉलेट में जो टोकन से वो पर डे 0.25% के हिसाब से आपको मिल गया है वापिस। मैं इस पे आ गया हूँ, ये आपका फार्मिंग वाला पेज है,
तो एक चीज आप सिंपल समझिए, अब वो लोग ध्यान से सुनना, वो लोग जिन्होंने सीड फंडिंग नहीं करी, देखिए इसने क्या करा, इसने 64,000 रुपए का पीवीसी उस समय खरीदा जिसकी वैल्यू थी 915, मैं 915 मान लेता हूँ, अभी 915 आज के रेट में 6.33 के हिसाब से 5,21,275 रुपए का हो गया है। ये उन सब का लॉस है जिन्होंने इस सिस्टम को तवज्जो नहीं दी। और मैं ऐसे लोगों को यहां से मन से बोलता हूँ कि जिन लोगों ने आपको सीड फंडिंग नहीं कराई और जिन्होंने आपको गलत गाइड करा, पैर का पंजा नापिए, सर में मार दीजिए कि आपकी वजह से कितना बड़ा लॉस हो गया। आप समझिए इस व्यक्ति ने कितना अच्छा अपना इनकम जनरेट कर लिया बिना काम के। यदि आप भी उस समय बाय किए होते तो आपका पैसा भी 6.5 गुना होता या नहीं होता, मिस्टर चौधरी? यस और नो? हेलो। तो आप बताइए, जिसने सीड फंडिंग जुलाई और अगस्त में कर ली, वो फायदे में या लॉस में है? सर फायदे में है सर। जिसने नहीं करी उसका क्या हुआ? लॉस। 100% और जिसके कहने पे नहीं करी, मैं उनको बोलता हूँ जाओ और उसके सर में दो चप्पल मारो और बताओ उसको उसकी औकात कि तुम्हारी वजह से हमारे घर में कितना बड़ा नुकसान हो गया। ये सिर्फ सीड फंडिंग की पावर दिखाई। अभी आप देखिए इस व्यक्ति ने क्या करा, इसने अपनी टीम थोड़ी थोड़ी बिल्ड करी होगी, तो इसमें एक डेमो पर्पज से मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ फार्मिंग रिपोर्ट देखेंगे हम, पर उससे पहले मैं आपको यहाँ ट्रांजेक्शन रिपोर्ट पर लेकर चलता हूँ। इस वॉलेट में अच्छी खासी फंडिंग मतलब फार्मिंग 730.36, ये आपको सब पता है कि इसको 1400 कुछ मिला होगा भाई, जितना आप कर रहे हो उसका जस्ट डबल आपको मिलता है, 200%। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो ये जो आदमी है ये बड़ा स्मार्ट और बड़ा इंटेलिजेंट है, इसने ना अपने आप को पहले से ही उस लेवल में रखा हुआ है। $730 इसने यदि लगाया तो इसको $1460 मिला भी होगा फार्मिंग में। अब यदि ये टीम भी नहीं बना रहा है तो इसका पर डे अपनी जो खुद की 730.36 है, यहां समझना मैं आज ये कैलकुलेशन बता रहा हूं, इन्होंने 730.36 डॉलर इन्वेस्ट किया है, इसका जस्ट डबल इनको मिला है 1460.72, ये आप सब अपने देख सकते हो। अब इस व्यक्ति को इसका पर डे 0.25% रिटर्न आता है, इसका मतलब $1.82 पर डे इसके अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है। इस व्यक्ति ने 30 दिन में कितना कमा लेगा? इसके बाद 54, और 54 को डिवाइड कर दे 6.33 से, तो ये 8 पीवीसी जनरेट कर सकता हर महीने सिर्फ अपनी फार्मिंग से। अब ये है 8 पीवीसी, आपको मैं बता दे तो ये 8 पीवीसी है, बट ये 101% दिसंबर में $100 जाए। अब सबसे बड़ा तमाचा उनको अब लगने वाला है जिन्होंने इसको सिस्टम को तवज्जो नहीं दी। इस व्यक्ति ने एक महीने में 8 पीवीसी कमाए तो इसने $865 कमाए, 8 पीवीसी नहीं कमाए, और ये दिसंबर में इसको सेल आउट करेगा तो इसका 8 पीवीसी 77,881 रुपए का चला जाएगा। यदि इसने 3 महीने ये काम करा होगा तो इसने सिर्फ $730 लगा के 2,33,645 रुपए अर्न कर लिया, और अभी इसका पर डे का अगले 8 महीने आने जाना है। आर यू गेटिंग और नॉट? समझ में आ रहा है दोस्तों फार्मिंग क्यों करनी चाहिए? यस यस सर, यस सर। अब कुछ लोग आपको बरगला रहे, यार ये लगवा तो रहे पीवीसी, दे रहे बीयूएसडी, ये तो बड़ा लॉस हो रहा है। अब मुझे बताइए यहाँ किसी का लॉस दिखा? आप लोगों ने भी कैलकुलेशन देखा, किसी का लॉस हुआ? नहीं, बताइए किसी का लॉस, कोई कह दे कि इसमें लॉस हो रहा है मेरा। मैं कहता हूं कि इस व्यक्ति ने $730 मतलब लगाया, इसकी वैल्यू इंडियन करेंसी में इसने लगाया 65,700 रुपए, इसको इसका जस्ट डबल 65,700 का डबल इसको मिलेगा अगले 26 महीने 15 दिन में। लेकिन मैं आप यहां बात कर रहा हूं डॉलर में, 730 का पर डे 0.25% इसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस और नो? यस सर। 30 दिन में कितना मिलेगा इसको? 54। इसको यदि करंट रेट पे भी मैं बोलता, चलो करंट रेट नहीं, इसको 650 पे कर दो, तब भी 8 पीवीसी तो आ ही जाएगा ना, और ये 8 पीवीसी इसने होल्ड करना है। अभी ये आगे देखिए क्या होगा इसका, इसका 8 महीने में घटते क्रम में भी मान लेता हूँ, 8 आया, फिर इनको 7 आया, फिर इनको 6 आया, फिर इनको 5 आया, आगे की कैलकुलेशन छोड़ दो। इनके पास 26 पीवीसी भी यदि अपनी खुद की फार्मिंग से इन्होंने इकट्ठे कर ली, समझना मेरी बात को, बड़ा लॉजिकल आंसर दे रहा हूं मैं। तो
ये 26 पीवीसी जून 2023 में $500 का जाएगा, पीवीसी मेटा रिकॉर्ड कर लो मेरी बात को। तो ये $500 में इसे बेच देगा तो इसके पास टोटल अमाउंट आ जाएगा 11,57,000 रुपए, सिर्फ 65,000 लगा के। अब आप बताइए जिस व्यक्ति ने यहाँ 1,00,000 रुपए लगाए होगा वो कितना पैसे का मालिक बनेगा। ये पर्सनल फार्मिंग जरूरी है और ज्यादा से ज्यादा पीवीसी से करो, डीपी के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि डीपी से एक महीने में एक बारी कर पाओगे। पीवीसी बनाने की मशीन आपके हाथ में, सिंपल वे में समझा रहा हूं। नाउ आगे चलते हैं, मैं इन्हीं की कैलकुलेशन बता रहा हूं। इस सज्जन ने कुछ करा, इसने मेहनत करी तो इसने अपना इन्वेस्टमेंट ज्यादा करा, तो इसने क्या करा देखो यहां पर इसकी पीवीसी रिपोर्ट देखते हैं। तो इस आदमी ने अब तक 32.45 पीवीसी अर्न कर लिया है, ये तो अब जस्ट बिगिनिंग है। मैं इस 32 को इसके 730 डॉलर की वैल्यू बता रहा हूं आपको, 32.41 पीवीसी इसने विड्रॉल करा, 32.41 दिसंबर में 101% ही जाएगा। तो इसने लगाए कितने, 65,000। अभी वो बराबर हर महीने आएगा जाएगा, बट उससे पहले दिसंबर में 3,00,000 लगभग रुपए बाहर निकाल लेगा। आप मुझे बताइए दुनिया में कोई ऐसा सिस्टम है क्या आपके पास? हेलो, जितने बड़े बड़े कंपनीज मार्केट में चल रहे हो उनकी टोटल औकात 2,51,000 की पूल देने के, सारे पूल मिला के, और यहाँ आप सिर्फ एक महीने में कमा रहे हो। ये व्यक्ति अगले 8 महीने में कितना अर्न कर सकता है यहाँ से? कैलकुलेशन समझ में आ रही है दोस्तों? यस यस। आगे चलते हैं यहाँ पर। अब इनकी थोड़ी सी मेहनत भी देखते हैं कि इन्होंने मेहनत करी है कि नहीं करी है, क्योंकि सिस्टम इसी चीज को रिकॉग्नाइज करेगा। आप सोच रहे हैं कि हम सीड फार्मिंग खुद कर ले, टीम ना बनाए, तो ये भी आपका उसमें रिवॉर्ड में पॉइंट जुड़ा हुआ। यदि आप टीम नहीं बनाएंगे तो वहां माइनस हो जाएगा आपको पॉइंट, इसलिए टीम जरूर बनाए। अब इसने क्या करा देखते हैं, इसकी फार्मिंग हम देखते हैं, इसका रेफरल रिवॉर्ड देखते हैं। देखो ये व्यक्ति कितना धीर है, स्लो स्टडी विन द रेस, आज एक कहानी सुनाऊंगा। इस आदमी ने थोड़ी मेहनत करी है तो 13 रेफर करें, कितने करें, 13 रेफर करें, 13 रेफर से इसको 10 लेवल से कुछ इनकम आ रहा है, तो इसकी वॉल्यूम जनरेट हो चुका है 20,587 का। तो अब इसकी हम थोड़ी सी और डीपली जाके देखते हैं ट्रांजेक्शन, इसकी ट्रांजेक्शन रिपोर्ट में जाके इसको देखते हैं क्या मिल रहा है इनको पर डे। यहां पे जाएंगे ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, ये आदमी पर डे 10.72.54, ये देखिए क्रेडिट, आज इनका क्रेडिट हुआ है बढ़ते क्रम में। देखो इसने भी शुरुआत करी, ये आदमी शुरू किया इसने अपने से, इसको 0.25 बढ़ते क्रम में जब तक 3 तारीख के बाद देखो बढ़ते हुए बढ़ते ये आदमी 8 पे पहुंचा, फिर 9 पे पहुंचा, और अब ये 10.7254। अब देखिए इसकी पावर, इसको पर डे 10.7254 आ रहा है, महीने में कितना आएगा इसके पास? हेलो, 321 पॉइंट महीने में, और एक महीने बाद मैं आपके कैलकुलेशन इसको 6.70 मान लेता हूं, या चलो आपकी बात मान लेते, इसको मैं $7 मान लेता हूं, फिर भी ये 45 पीवीसी उठा लेगा, और 32 ये पहले उठा चुका है 32.41, इसके 78 पीवीसी आ गए। सिस्टम कह रहा है कि जो पीवीसी आप जनरेट करो उसको होल्ड कर लो, और होल्ड करके दिसंबर में इसकी वैल्यू $100 जाएगी, 101% जाएगी, इसको 89 से मल्टीपल कर लो, ये इसकी टोटल अब तक 657,546 रुपए, ये तो हजम होती है ना आप लोगों को। हेलो सर, सर समझ में आ रही है क्या लॉस है फार्मिंग करने से, क्या लॉस है आप लोगों का बताइए, कोई लॉस है आपका किसी का किसी इसमें काम करने से? नो सर, नो सर। अब देखिए, अब मैं आज आपको बहुत अच्छे फॉर्मूले बताऊंगा, जिसने मेरे फॉर्मूले समझ लिए वो पर डे यहाँ $1,000 से लेके $50,000 कमाएगा। अब फॉर्मूला नंबर वन, मैं अब इस अकाउंट को देखता हूँ, अब आपकी मैं कैलकुलेशन यहाँ पे एक कैलकुलेशन और दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आए कैलकुलेशन कैसे होती है। तो मैं जाऊंगा रेफरल रिवॉर्ड पे, इस अकाउंट को आप छोड़ दीजिए, इस अकाउंट में जाकर के यहां देखिए,
ये 33 38 फर्स्ट जनरेशन का। आप समझिए दोस्तों जो कैलकुलेशन नहीं समझ रहे हैं, इसके जस्ट सामने देखिए 8.34 यानी 0.25% इसका, और उससे जो 20% इस आदमी को बूस्ट अप मिल रहा वो है 1.690। अब मैं इसको प्रूव करता हूं क्योंकि फिजिक्स में ना प्रूव करना बहुत जरूरी है। तो यहां जाइए 33 38, इस व्यक्ति का पहली जनरेशन में कितने का बिजनेस है? 33 38 का। अब समझना वो लोग हमें कैसे फार्मिंग से पैसा आता है। 33 38 फर्स्ट जनरेशन का बिजनेस है, इसका 0.25% इसको पर डे रिलीज होता है, वो होता है इतना 8.345। नाउ अब आते हैं इधर ही हम, तो इधर भी हम इसको मैच करेंगे, क्या इतना ही आ रहा है? 8.345। आपका कैलकुलेटर पे कितना आ रहा है? समझ में आ रहा है दोस्तों? जी सर जी। इसका बूस्टअप, इसका बूस्टअप इसके अपलाइन को 20%, इसका 20% जाता है पर डे 1.669। अब हम इसको इधर भी मैच कर लेते हैं, 20% बूस्टअप मिला 1.6690। कैलकुलेशन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आप सबको? हेलो जी सर, जी सर, कहीं सिस्टम कहीं पे कहीं पागल बना रहा है कि आपको बिल्कुल एग्जेक्ट आपको कैलकुलेशन दे रहा है, कोई डाउट करने की जरूरत नहीं है। इन चूहे और चमगादड़ों के बीच में से निकलो और अपनी जिंदगी सुधारो, अपने परिवार की जिंदगी सुधारो। ये पहले भी ऐसे ही थे, दलाल जो होता ना उसको मार्केट में दलाल बोला जाता, तो दलाली करने वालों से सावधान। ये जब भर्ती होते सरकारी तो हम लिखा होता दलाली करने वालों से सावधान। जब सरकारी दलाल से डरती है तो ये तो परलवाइन है, तो दलालों से सावधान, जिसे हमारे मोहित जी गद्दार बोलते हैं, गद्दारों से सावधान। तो मैं आपको यही बोलूंगा, दलाल लोगों के साथ रहकर दलाली सीख सकते हो, पर लाइफ टाइम पैसे कमाने का तरीका कभी नहीं सिखाएगा वो व्यक्ति, क्योंकि खुद दलाल है, वो आपको दलाली बना सकता है। बात समझिए, जो आदमी PhD लेके डॉक्टर की उपाधि ले चुका है वो आपको डॉक्टर वाली उपाधि के बारे में बता सकता है क्योंकि उसने कैसे ली, बट जिसने दलाली करी वो आपको सिर्फ दलाल बना सकता है, पैसे नहीं कमा सकता कभी भी। मेरी बात को समझना, इसलिए मैं आपको सबको बोलूंगा, काम वहां करिए जहां आपकी सक्सेस दिखे, काम वहां करिए जहां आपकी फैमिली की सक्सेस मिले, ठीक है? तो इनसे सावधान। आगे देखिए, सेकंड जनरेशन में इसका हुआ 46 66.1190। यहां पे कैलकुलेटर है, आप खुद निकालिए 46 66 11 90। इसका 0.25% पर डे आता है, वो होता है 11.6652। इधर भी मैच कर लेते हैं, क्या सही दे रहा है पर भाई? ये तो करेक्ट हो गया, अरे तो जादू हो गया, ये तो उतना ही दे रहा है जितना मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। अच्छा आगे देखते हैं, 19% बूस्टअप मिलता है, वो है 2.2164। अब हम कैलकुलेटर से पूछते हैं, भाई साहब आप बताइए क्या ये सही है? इसको हम 19 से मल्टीपल करते हैं, बटे में 100 करते हैं, ओ ये तो और कमाल हो गया भाई साहब, उतना ही दिखा रहा है जितना हमको मिल रहा है। कैलकुलेशन देखिए कितनी शानदार है, 2.2164। इधर भी आप देखिए, ये देखिए, आज आपको समझ में आया ये बूस्टअप क्या है। अब बूस्टअप को समझिए, पर्लवाइन इंटरनेशनल ने इन दलालों की वजह से अपने आप को अपग्रेड किया है, क्योंकि इन लोगों ने क्या करा था मैं आज आपको मन से बता रहा हूं। जब डेटा निकाला तो 82 लाख आईडी तो निकली, बट 82 लाख आईडी में अपग्रेड आईडी बहुत कम थी क्योंकि धंधा चल रहा था। सिस्टम ने देखा कि एक आदमी ने एक अकाउंट ऊपर खोल लिया, नीचे लाइन लगाते जा रहा है, और अपनी उसने सिर्फ एक आईडी बनाई, 8 नीचे अपनी पर्सनल आईडी लगाई और सबसे नीचे काम कर रहा है, तो ऊपर के 8 अकाउंट डेड अकाउंट हो गए सिस्टम में, और वो बर्डन बन गया हमारे ऊपर सिस्टम में, वो बर्डन बन गया। सिस्टम ने देखा यार वहां 20 मैंडेटरी थे, इन लोगों ने 20 नहीं करा। लेकिन यहां पे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, यदि मैं बूस्टअप 730 से करा हूं और मेरी टीम ने सबने 730 तक बूस्टअप करवाना मैंडेटरी, आप उनको भी बूस्टअप कराओगे, और यहाँ अपलाइन यदि बूस्टअप नहीं कर रहा है और डाउनलाइन बूस्टअप कर रहा है, तो अपलाइन को भी बूस्टअप करना पड़ेगा। सिस्टम ने लर्न किया कि parlwine.com से, कि वहां लोगों ने गलत तरीके से पेश करा प्लान, यहाँ 20 मैंडेटरी है और जो काम खुद करोगे वही डाउनलाइन को कराना है। यदि 20 में से कोई कमजोर पड़ रहा है उसको तुरंत फोन करो, भाई साहब कमजोर पड़ रहे हो, आपके इस महीने लैप्स हो जाएगा, वो तुरंत काम करेगा। ये सिस्टम ने इतना बढ़िया बिजनेस बना दिया कि आपको लाइफ टाइम पैसे मिलेगा। और मजे की बात सुनो,
तीसरी जनरेशन का भी देख लेते हैं हम, क्या तीसरी जनरेशन का तो गड़बड़ नहीं है? तो यहाँ 64-86 इसको तीसरी जनरेशन से अमाउंट आ रहा है, यहाँ पे जाते हैं 64-86 इसका 0.25 बटे में 100, ये 16.215 होता है। इधर देख लेते हैं क्या इतना ही मिल रहा है इनको, ये तो 16.2115 ही हो रहा है यार, ये तो सही कह रहे हैं, ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर दिखा रहा है। अब इसका आपको बूस्टर मिलेगा 18%, तीसरी जनरेशन से 18%, ये आएगा 2.9187। तो इधर भी हम देख लेते हैं क्या हमें एग्जैक्टली मिल रहा है 2.9187। इसी तरह आपके 20 लेवल की इनकम आप खुद निकाल सकते हैं, जो इन्वेस्टमेंट आया उसका 0.25% पर डे, और उस 0.25% का अकॉर्डिंग टू बूस्टर 20, 19, 18, 17, 16 आपको मिलेगा यदि इस काम को करने में आप सफल रहे। तो मैं आज एक कैलकुलेशन, इस अकाउंट को छोड़िए, अब मैं आपको एक कैलकुलेशन बता रहा हूं, और रघु जी आप डायरी पर लिखेंगे और मुझे कैलकुलेशन बताएंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपका यदि 0.25 से $10 आ जाए तो उसको 20 में कैसे कन्वर्ट करना है, और यदि 20 आ जाए उसको 40 में कैसे कन्वर्ट करना है, 100 आ जाए तो उसको 200 में कैसे कन्वर्ट करना है, अब मैं आपको प्लान बताऊंगा। तो प्लीज डायरी पेन पर लिख लेना, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आज आपका पूरा प्लान क्लियर कर दूंगा। और जिसने 20 लाइन पे काम कर लिया, 20 लाइन को तरीके से समझा दिया, उस व्यक्ति का सुबह पैसा डालो शाम को अकाउंट में डबल होकर निकल आएगा। दुनिया का कौन सा ऐसा सिस्टम है जहां सुबह डालो शाम को डबल हो जाए, बताइए? 24 घंटे में डबल किस कहां कहीं होता है? हेलो, 24 घंटे में कहीं डबल होता है क्या? आज मैं आपको एक फंडा बता रहा हूं जहां आप सुबह डालेंगे, ये थ्रेसर मशीन है, एक तरफ से आपने अनाज काटा हुआ डाला, दूसरी तरफ से अनाज निकल आया, ठीक उसी प्रकार एक तरफ से आप इनपुट डालेंगे, आउटपुट में पीवीसी आएगा, और इतना पीवीसी आप इकट्ठा कर सकते हो, इतना पीवीसी इकट्ठा कर सकते हो कि 7 पुस्तों का पैसा जून और जुलाई तक आप इकट्ठा करके रख सकते हो, कोई टेंशन नहीं, विदाउट टेंशन। हमारे ऑटो पूल सबको मिलेंगे, पर उसमें थोड़ा समय लगेगा क्योंकि अभी हम थोड़ा सा, बहुत सारे ऐसे नल है जिनमें पानी आ रहा है, उसको रोकना जरूरी है, ठीक है, वो पानी नहीं आना चाहिए वहां पर मेरे हिसाब से, तो आप भी मेरे साथ एग्री करेंगे। यदि नल घर में लगा उसको वाशर कट गया तो पानी कभी नहीं आता, तो ब्लॉक नहीं हो सकते लेकिन वाशर जरूर कटेगा। तो अभी आपके पर्लवाइन अकाउंट में बहुत सारे काम चल रहा है, तो थोड़ा धैर्य रखो, लेकिन जो सिस्टम ने प्लान दिया इसको समझो, ये बहुत कुछ देने वाला है। और सोशल मीडिया से थोड़े अपने आपको साइड रखो, यदि आप गलती से कुछ गलत कर भी रहे हो तो नजर में मत आओ, क्योंकि आप लोग यदि इस तरह से एक्टिविटी करोगे, पनवन के खिलाफ एक्टिविटी करोगे, तो पनवन भी एक्शन लेगा। तो आप लोग थोड़ा समझो चीजों को, आज मैं आपको इस प्लान की पावर समझाता हूँ। और रघु जी डायरी पेन लेकर के मुझे पहले पहली जनरेशन में कितना बिजनेस है वो मैं आपको बताता हूँ कैसे आता है। सपोज करिए आपने 20 जनरेशन में आपका बिजनेस 20 लोग अटैच करे और इनसे 100 का बिजनेस कराया, 100 एंड अबव, तो कितने का बिजनेस हुआ आपका? 2000 का। रघु भाई आप डायरी पे लिख लेना, ये मेरे को कैलकुलेशन चाहिए पहली जनरेशन में कितना है। तो 2000 का 20 लोगों का 100 एंड अबव कराया, तो इसका 0.25% बटे में 100, इसका आया $5। अभी इस $5 का आपको बूस्टअप मिलेगा 20%, तो आपको पहली जनरेशन से मिलेगा $1, लिख लो। अब आते हैं हम अगली जनरेशन में, जब 20 लोग 20-20 को लाएंगे, क्योंकि मैंडेटरी है, ये लाना पड़ेगा, ये perlwine.com नहीं बनाने देगा, इस बार सिस्टम सीख चुका है इन गद्दारों से, तो ये जो चीज है इसको समझिए, 20 × 20 आपके पास टोटल लोग 400 आए, 400 लोगों ने 100 का बिजनेस करा, टोटल कितने का बिजनेस हुआ सेकेंड जनरेशन में? 40 का, 40,000 का 0.25% बटे में 100, तो $100 का बूस्ट अप मिलेगा आपको 19%। तो सेकंड जनरेशन से कितने डॉलर आएंगे आपको? $19 पर डे, लिख लो डायरी में। अब आगे चलते हैं। जब 400 लोग 20-20 लाएंगे तो आपके थर्ड जनरेशन में कितने लोग आ जाएंगे? 8,000। और जब ये 8,000 लोग 100 लोग 100 एंड अबव का डॉलर का बिजनेस करेंगे तो आपका बिजनेस हो जाएगा इतना थर्ड जनरेशन में,
इसका 0.25% पर डे रिलीज होगा, जिसमें आपको मिलेंगे $2,000 और इसका बूस्टअप मिलेगा आपको 18% का, $360 पर डे। आप यदि इसी चीज को आगे कैरी करेंगे, ये 8,000 × 400 × 20 करा तो 8,000 लोग, 8,000 लोग जब 20-20 लाएंगे तो फोर्थ जनरेशन में इतने लोग आएंगे और इन लोगों के 100 and above का बिजनेस होगा, इतना होगा इसका 0.25% पर डे के हिसाब से इतना आएगा, और उसका बूस्टअप आपको मिलेगा 17%, जो आपका बनता है $6,800। ये होगा, इसको नोट कर लेना, होगा 100% होगा $6,800 आपकी। कौन सी जनरेशन आ गई है? फोर्थ जनरेशन से आ गई। अब आते हैं आपके 8,000 × 20 लोग आए तो इतने, इन लोगों ने 20-20 लाए तो इतने लोग आए, और इन लोगों ने 100 से मल्टीपल करा तो इतना बिजनेस आया, इसका बूस्टअप आपको मिला 16%, इतने डॉलर उसका आपको, सॉरी 8,000 × 20, इतने लोग जब 20-20 लोग आए, इतने लोग आए, उन्होंने 100 का बिजनेस करा, इतना इसका 0.25% आपको आया इतना डॉलर, और इसका आपको 16% यहां मिलेंगे। एक दोबारा बता देता हूं, आप मुझे वहां थोड़ा सा कैलकुलेशन बताइए आपका। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो सर, ये सर आ रही क्लियर। मैं था कहां पर, मैं फिफ्थ जनरेशन पे आ गया था ना, मेरे 400 सेकंड में था, तो दूसरे में, तीसरे में इतने थे, तो चौथे में इतने थे, चौथे में 1,60,000 लोग आए ना। हेलो, इसका तो कैंसिलेशन हो चुका है ना, फिफ्थ में कितने आए, इतने लोग आए ना फिफ्थ में। हेलो हेलो, हाँ सर, यस सर, मैं अभी आप लिखिए, मैं आपको बताऊंगा और सिंपल कर दूंगा। इतने आए, इसके यदि $100 पर आदमी से आए तो इतना बिजनेस हुआ, उसका 0.25% आपके पास आया तो फिफ्थ में इतना, और उसका बूस्टअप मिला 16%, तो पर डे आपका ये डॉलर आया। ये लिख लो आप, अब मैं आपको कैलकुलेट कराऊंगा कैसे करना है, ये आप लिखो। मैं पांच जनरेशन की बात कर रहा हूं, यदि तरीके से काम करोगे तो होगा ये, क्योंकि ये इंटरनेशनली, पहले ये कुछ लोग 80% इंडिया में था, अब ये पूरे वर्ल्ड में जाएगा बिजनेस, क्योंकि parlvine.com में अब आईडी जो है ना बीयूएसडी से लगेंगी, तो पूरे वर्ल्ड में बीयूएसडी कहीं भी जनरेशन होगा, 1-1 करोड़ आईडी लगेंगी parlvine में, वही सब कुछ मिलेगा, मजा वही आएगा, थोड़ा वेट एंड वॉच करिए। अब मैं आपको बताता हूँ, ये आपके फिफ्थ जनरेशन से आया तो सेकंड से कितना आ रहा था। हेलो बताइए, सेकंड में वो जो फोर्थ जनरेशन उसमें कितना आ रहा था? 1,60,000। हेलो, 1,60,000। और थर्ड से कितना आ रहा था? 40,000 थर्ड से था, और सेकंड से कितना था? 19 है ना जी, और फर्स्ट से 1, ये डॉलर हो गया। अब मैं इसको ना देखो, इसका आधा तो करोगे आप नहीं कर सकते, चलो ये भी ज्यादा होगा, इसका भी आधा कर दो, इतना तो कर लोगे नहीं, ये भी बहुत ज्यादा, इसका भी आधा कर दो, इतना तो कर लोगे नहीं, नहीं नहीं, ये भी बहुत ज्यादा है, इसका आधा करोगे, इतना तो करोगे, ये भी बहुत ज्यादा है, इसका आधा तो करोगे नहीं, ये भी बहुत ज्यादा है, इसका तो आधा करोगे, ये भी बहुत ज्यादा है, इसका भी आधा करोगे, ये भी अभी बहुत ज्यादा है, इसका आधा तो करोगे, ये भी बहुत ज्यादा है, इसका आधा, इतना तो करोगे। हेलो, ये भी ज्यादा है, इसका आधा कर दो, $12,695 पर डे तो आ सकता है ना। हेलो, अब भी ज्यादा है, इसको आधा कर दो, इतना तो आ सकता है पर डे। हेलो सर, बिल्कुल बिल्कुल, जब पर डे इतना आएगा, इसको मल्टीपल करिए, याद करिए नोटिफिकेशन को, आप पर डे कमाएंगे लाखों करोड़ों, ऐसे कमाएंगे 5,58,590
रुपए पर डे का इनकम इसी इंडिया में दिसंबर में जनरेट हो रहा है, महीने का इस व्यक्ति का कितना हो गया दोस्तों? करोड़। कुछ कुछ समझ में आ रहा है? यस यस। अब बताइए ऑटो पूल चाहिए या ये पर डे का इनकम चाहिए, मुझे ये बताइए। पर डे का इनकम चाहिए सर। यस, आपने बोलना है सर पर डे का इनकम चाहिए, पर ऑटो पूल भी हमारी मेहनत है, वो भी चाहिए। बोलिए ना, इसमें क्या शर्म की बात है? वो भी आपका बोनस है, वो आपका पेंशन प्लान है, याद रखिए वो मिलेगा। बट जो ये इनकम है ये आपको डेली मिलेगा, इसके लिए क्लिपिंग कर सकते हो। अब ये तो कुछ लोगों के सर के ऊपर से निकल गया। अब मैं छोटी कैलकुलेशन बता देता हूं, सबसे सिंपल, उतना तो कर ही लेंगे सारे। अब ये एक डायरी पे लिखना अलग से, सिंपल आज क्योंकि मैं मूड में हूं, आपको सारी चीजें क्लियर करना चाहता हूं। मैं छोटी कैलकुलेशन बताता हूं आप सबके हिसाब से। अच्छा देखिए, फर्स्ट जनरेशन में आप 5,000 का बिजनेस तो कर लेंगे सारे। अच्छा बताइए कौन कौन 5,000 का फर्स्ट जनरेशन में 20 लोगों से बिजनेस करवा लेंगे? सर यस सर। अरे सर। दोस्तों 20 लोगों से यदि आप 250 के करा तो 5,000 हो गया। तो यहाँ तो लोग 8-8 तो पर डे एक एक आदमी कर रहे हैं, 5,000 का तो हो सकता ना दोस्तों। अब मैं बिल्कुल धरती से जुड़े लोगों से बात करता हूँ, 5,000 का करो फर्स्ट जनरेशन में, तो इसका 0.25 बटे में 100 आपको $12.5 आता। लिख लो एक डायरी पे, मैं पूछूंगा आपसे। और इस 12.5 का 20% $2.5 पर डे आपको मिलेगा पहली जनरेशन में, यदि 5,000 का बिजनेस करते हो। इतना तो कर सकते हो ना दोस्तों? यस यस। अब आते हैं हम सेकंड में। यदि मेरा 5 में हो गया तो मैं 5 का 3 गुना तो कर सकता हूँ, मैं 15,000 तो सेकंड में कर ही लूंगा। कर लूंगा कि नहीं कर लूंगा? बिल्कुल सर। 15,000 डॉलर का 0.25% बटे में 100, 37.5, इसका बूस्ट अब मुझे 19% मिलता है, तो सेकंड जनरेशन से मुझे मिलेंगे 7.125। लिख लो एक डायरी में, पहली में कितना मिला, दूसरी में कितना मिला, ये तो कर सकते हो ना? ये तो हवा में नहीं बात कर रहा हूं, मैं आपको सिंपल समझा रहा हूं। ये कैलकुलेशन मुझे चाहिए रघु सर, आपसे मुझे पूछना है, लिख लेना दूसरे से कितना ₹0.125। ठीक है यस सर। अब आते हैं हम तीसरे में। तीसरे में आप इतना तो एहसान कर दोगे, 25,000 तो कर दोगे, ये भी नहीं होगा? यस सर होगा, इतना तो कर ही दोगे भाई 100%। तीसरे में तो इतना होगा, मैं 25,000 का कैलकुलेशन लेता हूं, इसका 0.25 बटे में 100, 62.5 आता है, इसका बूस्ट अप आपको मिलता 18%, तो 11.25 यहां से आएगा। अब चौथे में मैं इसको ज्यादा नहीं 40,000 मान लेता, 40,000 का हो जाएगा क्योंकि लोग ज्यादा हो जाएंगे, तो 40,000 का 0.25 बटे में 100, $100, इसका 17% बूस्ट अप मिलता है, तो इसमें आएगा $17 चौथे में, लिख लो। अब आते हैं हम पांचवे में। पांचवे में 50,000 ही हो जाता है हमारा, उसका 0.25% बटे में 100, 125, इस 125 का 16% बूस्टअप मिलता है आपको, तो $20। अब आप समझिए पांचवे में 20, ऐसे आपका 20 लेवल से इनकम आएगा, तो वो आप निकालने में, पांच लेवल पे बता रहा हूं, बाकी सारा कैलकुलेशन एक जैसे ही है। पांचवे में 20 आया, चौथे में कितना आ रहा था, $17 है ना जी? हेलो। और तीसरे में कितना आ रहा था? तीसरे में $17। तीसरे में 11.25। तीसरे में 11.25। 11.25। सेकंड में 7.125। और फर्स्ट में 2.5। $57 पर डे अभी हमारे इंडिया में शेर सिंह लीड कर रहे हैं, उनका $57 पर डे आ रहा है 20 जनरेशन से। मैंने आपको 5 जनरेशन में बताया। अच्छा ये तो 0.25 की स्पीड से आ रहा है, $57 इतना तो आएगा ना, आप सबका प्रॉमिस करो, आप सबका आएगा कि नहीं आएगा? यस 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 सर। सर आएगा। इतना यदि आया तो महीने का कितना आ गया आपका, $1736।
और $1736 को जब सबसे मजेदार चीज अब बताऊंगा मैं आपको, देखिए इसका पीवीसी में कन्वर्जन होगा तो महीने में आपने कन्वर्ट करा डिवाइडेड बाई, मैं मान लेता हूँ इसको, चलो ठीक है मैं $8 मान लेता हूँ, तब भी कितने आ गए आपके पास 217 पीवीसी आ गए, क्या आ गए 217 पीवीसी। अब इसका 85% तो आपको डायरेक्ट पीवीसी मिल गया और 15% आपका सीड फंडिंग में डाल दिया। आप लोग कह रहे रेट कैसे बढ़ेगा, लिक्विडिटी नहीं है, ये नहीं है, अरे जितना तुम्हारा दिमाग है ना उतना दिमाग ये पर्लवाइन अपनी कोच में रखता है। आप जब से कल से सीड फंडिंग का फॉर्मूला 15% वाला ऐड हुआ है, देखो रेट बढ़ने लगा है कि नहीं बढ़ा है, जब से विड्रॉल हुआ कल से और लोगों ने अपनी फार्मिंग के बढ़ रहा है ना, मैं आपको गारंटीड बोल रहा हूँ दिसंबर में $100 जाएगा, $100 जाएगा दिसंबर में। अभी मौका है, जितनी सीड फंडिंग कर लोगे आपके आने वाले बच्चे खाएंगे पिएंगे और एंजॉय करेंगे, बोलेंगे ये हमारे दादा ने हमें ये दिया था एक बिजनेस, अब ये बिजनेस ऐसा बना दिया। मैं आपको बताऊं कुछ लोग सोच रहे थे 5000 की सीड फंडिंग करेंगे यार, जब वो 600 दिन में वापस आ जाएगा फिर सीड फंडिंग दोबारा करनी पड़ेगी, अरे सिस्टम ने तो ऐसा कर दिया आपको जरूरत ही नहीं है, हर महीने विड्रॉल लो 15% सीड फंडिंग में चला गया, सीड फंडिंग अगले 6 महीने फिर बढ़ गया, फिर हर महीने विड्रॉल लो फिर 6 महीने के लिए बढ़ गया, ये तो लाइफ टाइम का धंधा कर दिया और ये नया वाला एंड सिस्टम बना दिया, जोरदार क्लिपिंग करिए, ये कभी खत्म ही नहीं हो सकता। तो गरीब हो या अमीर हो सबकी जिंदगी सुरक्षित है। सुपर से ऊपर धमाका, टिकल पैसा दे रहा सिस्टम, टिकल सोचो कितना जबरदस्त सिस्टम है, समझ में आए तो पैसा ही पैसा, नहीं तो पहले जैसा करो वैसा, सीनियर कहे जैसा, बीच में कमाओ पैसा, दिमाग मत लगाओ, अपना दिमाग खूटी के टांग दो और 6 महीने ना दूसरे का दिमाग यूज कर लो, 6 महीने बाद वो ऐसा बना देगा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ क्या लोग दिमाग लगाते हैं, मेरा जब ऑटो पूल आएगा ना जब मैं काम करूंगा, जब तक लोग करोड़ों छाप लेंगे जब तू धंधा नहीं करेगा, जब तेरे डंडा पड़ेगा जब करेगा, बेहतर है देखो लातों के यार बात तो उससे नहीं मानते, ये सिस्टम ऐसा कर देगा ना आपके अकाउंट 50,000 डाल दिया और आप बोलेंगे 20,000 की सीड फंडिंग कर, ब्याज में लेकर करोगे आप करोगे, क्योंकि आपको पता 50,000 आया पड़ा 20 दे लगा भी दूंगा तो 30 तो बची रहा है, तो बेहतर है वो 5,000 में जो काम हो रहा है उसे 20,000 का क्यों करें हम, ये सिस्टम बड़ा शानदार है, अपग्रेड कराया आप लोगों से करा दिया, सिस्टम ने कंडीशन हटा दी, अपग्रेड करो तुम्हारे मर्जी ना करो तुम्हारे कर लोगे तो बेनिफिट दे देगा, इतना शानदार सिस्टम बना दिया, मल्टीपल तरीके से पैसे कमा सकते हो। अब यहाँ पे ये 217 अभी होल्ड भी कर लिया आपने और इसे $100 से मल्टीपल कर दो 90, तो ये आपका एक महीने का इनकम है 19,53,000। और दोस्तों मैं एक बात बोलता हूँ, एक ना आम आदमी 19 लाख रुपए एक महीने में खर्च नहीं कर सकता और ये इनकम लाइफ टाइम के लिए हो गए, बढ़ेगी घटेगी नहीं। मान ले आपके लाइफ टाइम में अभी 3600 महीने बाकी में कर देता हूँ, ये पैसे कहाँ लेके जाओगे, क्योंकि कफन में तो जेब होती नहीं है, तो ये बच्चों के काम आएगी। सोचो अब देखो जब आपका 57 आ जाए ना, एक चीज ध्यान रखना, 0.25 की स्पीड से यदि $50 भी आ रहा है तो पर डे इसको $100 कैसे करोगे, आपने सिंपल क्या करना, तुरंत से 500 खुद करो और अपने डायरेक्ट में 5 लोगों का करा दो, 500 का 2500, जैसे ही ये कराओगे ये बढ़ करके 50 डबल, अगले दिन $100 पर डे गिरना शुरू हो जाएगा, है ना मजेदार चीज, इसके हाथ में पैसा कमाना है। यहां पर पर्लवाइन ने अपने हाथ में कुछ नहीं रखा, सब किसको दे दिया, आप मालिक बनाए और मालिक को राइट्स होता है वो अपने हिसाब से काम करे, तो जोरदार क्लिपिंग करिए, इसने आपको मालिक बनाया और आपको कह दिया कि जैसे मर्जी पैसा कमा लो, आपका $50 आ रहा है आपको 50 नहीं 100 चाहिए तो एक काम कर 500 खुद कर ले, 500 आपके डायरेक्ट बीच से करा ले, मालिक कभी नौकर नहीं बन सकता और आप मालिक हो। आप देखो आप अपना 500 का करो उसका 1000 मिल जाएगा और अपने 5 दोस्तों को बोले यार 500 तू भी कर ले तेरे भी 1000 हो जाएंगे, जैसे 5 लोगों को करा तो बढ़ करके 50 अगले दिन से $100 गिरना शुरू हो जाएगा। आपको लग रहा है यार ये तो कम है, क्योंकि 50.25 अचीव करो और जब आपको लगे नहीं यार मुझे 100 नहीं चाहिए मुझे 150 चाहिए पर डे, तो क्या करो अपना खुद का 1000 कर लो और अपने डायरेक्ट के 10 लोगों का 1000 करा लो, जैसे ये बिजनेस करोगे ये बढ़ करके 150 पर डे आ जाएगा। अब सुबह 150 लगाओ
और अगले दिन इसका डबल पाओ 300 बाहर, है ना कमाल की चीज। अरे 50 यदि डॉलर पर डे आ रहा है तो 200 का 200 होता है, तो इसको 4 दिन में डबल हो गया। लेकिन आपने कहा नहीं यार मेरे को 50 मेरे 100 का चाहिए, तो 500 खुद का कर ले, 4 का 5 का 500 खुद करा ले, 100 आपका आया 2 दिन में डबल बाहर आ गया। आपको डेली चाहिए तो इसको भाई 150% वाले स्पीड पे ले जा, और आपको यदि और ज्यादा 24 घंटे में चाहिए तो भैया 5000 खुद का कर ले और 5000 सब 200 का करा ले, यही 50 × 5 पर यानी 250 पर डे आएगा। अब सुबह कितने लगाओगे 125, शाम को कितना आ जाएगा, दिन बदलता है ना 5 बजे, सुबह 6 बजे जल्दी उठो $125 लगा दो, शाम को 5 बजते $250 अकाउंट में गिर जाए। अरे यार कमाल का सिस्टम है भाई साहब। अरे इन रामलाल से तो बहुत बढ़िया सिस्टम है यार, ये तो कर लेना चाहिए, है ना कमाल की चीज। हेलो मालिक आप है, $50 पर डे आ जाए, उसे $250 पर डे लाना क्या करना, आपने करना है। आपको $100 पर डे लाना क्या करना, आपने करना है। 150 चाहिए क्या करना, आपने करना है। आपको 250 चाहिए क्या करना, आपने करना है। पलवानी तो कुछ कही मेरे पलवानी तो कहते मैं तो मालिक बना दिया आपको, कमा पैसे आपकी होनी चाहिए ना। मैंने कभी कहा ही नहीं कहा था हमारे साथ बिजनेस में लो, आप तो पार्टनर हो, अब आपकी कंपनी है जितनी बड़ी बनानी आप बना लो, कोई फ्रेंचाइजी सिस्टम नहीं, कोई वो नहीं, डायरेक्ट ओनरशिप दे दी। ये तो हो गया आपका फार्मिंग का फंडा, और ऊपर से कह रहा सिस्टम जितने लोग नए यूजर बन रहे हैं 30 जून के बाद जो अकाउंट खोल रहे हैं में, वो यूजर है उनकी लाइबिलिटी तुरंत खत्म कर दे रहे हैं, साथ में वो गेम खेलेंगे डाउनलोड करेंगे उसका जो पैसा वो हर साल आपको अकाउंट में बोनस के रूप में आ जाएगा। अरे भाई सब क्या कमाल का सिस्टम दे दिया, कमाल करता है सिस्टम तो, समझ नहीं रहे लोग इसको। मालिक हो आप, नौकर नहीं हो आप, काम करने वाले नहीं हो, मालिक हो आप, अपनी टीम बनाओ, पैसे कमाओ, बूस्टअप करना खुद कर लो, बढ़ाना बढ़ा लो, घटाना घटा लो। अरे अपनी दुकान चलानी किसने चलानी, आपने चलानी, दुकान का शटर कब खोलना, आपने खोलना, बंद कर पाना, आपने करना सब कुछ, आपने करना। परमाइन का मतलब ही नहीं है आपसे, परमाइन ने तो आपको मालिक बना दिया और फिर भी हम परमाइन की बुराई करते फिर रहे। तो भाई साहब मेरी दुकान है, मेरी दुकान में कब चलाऊंगा, कब बढ़ाऊंगा, कब घटाऊंगा सब मेरे हाथ में, तो परमाइन कहां बंद हो गया, परमाइन का नाम ही नहीं है सर। आप सब मालिक हो भाई साहब, सारे डेनियल जॉनसन हो, जोरदार क्लैपिंग करिए अपने लिए। यस सर, यस सर, शानदार शानदार। सारी पावर सारी ऑथोरिटी आप सबको दे दिए सिस्टम ने, फार्मिंग सीड फंडिंग। और भाई साहब सीड फंडिंग क्या कमाल का है, 250 का पे आउट आ रहा है, इसका 85% कितना होता है ये निकाल लो, 212 का तो पीवीसी सीधा नगद खरा पीवीसी मिल रहा है, और बाकी बचा हुआ $38 आपका सीड फंडिंग में जा रहा है, वो 6 महीने तक 0.25 से मिलता रहेगा। कहां गरीब हो रहे हो आप, तो अमीर पे अमीर होते जा रहे हो भाई साहब। मैं एक बात बोलूं, आपके घर में 10 तोला सोना है, आपने बेच दिया अगले दिन फिर 12 तोला आ गया, फिर बेच दिया अगले दिन 15 तोला आ गया, फिर बेच दिया अगले दिन 20 तोला आ गया, तो आप तो बेचते रहो और तोला बढ़ाते रहो भाई साहब। कहां से पैसा, कहां गरीब हो रहे हो आप, कौन कह रहा गरीब हो रहे हो आप तो पर डे पैसा कमा रहे हो। आपकी आपने 5000 की फार्मिंग सीड फंडिंग करी और टीम बढ़िया जी बना ली, आपकी तो 50 लाख की सीड फंडिंग हो गई, लाइफ टाइम पैसा आएगा, 26 महीने का खेल ही नहीं। कौन बैठा रहा है आपको, सब गलत बताते हैं लोग, आपको सही से गाइड ही नहीं कर रहे लोग, आपके अपलाइन को ही नहीं पता प्लान, डाउनलाइन को क्या सराहोगे। मैं इसलिए बोलता हूँ छोड़ दो ऐसी अपलाइन को जो खुद ने काम नहीं करती और आपको आपको बैठे बैठे पैसे लेना चाहती है। मैं मन से बोल रहा हूँ, मेरी बात रिकॉर्ड कर लो, जो अपलाइन टीम के सहारे चले गए बर्बाद है यहाँ पे। साथ में बराबर पुटिंग करो, आप भी यदि फार्मिंग करो तो टीम को कराओ, 20 के 20 लोगों पर नजर रखो, जो ढीला पड़े उसके साथ फिर खड़े हो जाओ, बराबर लेके चलो और 20 लोग ढंग के चुनो। 50 बकरी पालने से बढ़िया एक भैंस पाल लो, बराबर का दूध देगी, कम मेहनत करना पड़ेगा, चारा भी कम लगेगा, ठीक है, नौकर लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे लोगों की जरूरत है पर्लवाइन में, पर्लवाइन क्रीम है और क्रीम को क्रीम चाहिए, अरे गहरे नथु गहरे लोग नहीं चाहिए, ठीक है जी। आशा करता हूं आपको प्लान की पावर समझ में आई होगी, आशा करता हूं आपको समझ में आएगी कि यदि मेरा $50 पर डे आता है तो मेरा 4 दिन में 200 हो जाता है, 100 लगाऊं तो 4 दिन में डबल हो गया, मुझे 2 दिन में डबल चाहिए तो 50 को 500 खुद कर लो, 5 डायरेक्ट के 500 करा लो, पर डे 100 आएगा, इसको 2 दिन 2 से मल्टीपल 2 दिन में डबल हो गया। आपको 24 घंटे में डबल चाहिए तो भाई बूस्टअप कर लो,
5,000 एंड अबव अपना 20 के डायरेक्ट का कर लो, सुबह लगाओ 6 बजे उठते ही, शाम को 5 बजे दिन चेंज होता है, ठीक है, तो आपका पैसा शाम को रात को 8 बजे डबल आके गिर गया 24 घंटे में। सुबह 6 बजे लगाओगे, शाम को अगले दिन 6 बजे 24 घंटे में डबल हो जाएगा। कितना कमाल का चीज है, और उसमें से 15% सीड फंडिंग में, बाकी लाइव आपके पास आ गया। पीवीसी आपको चाहिए क्योंकि टीम को पीवीसी चाहिए, फार्मिंग पीवीसी से करो, पीवीसी बचाओ मत, ये बेवकूफ है जो बचा रहे हैं, कितना बचा लोगे, लेकिन सीड फार्मिंग करते चले गए तो लाइफ टाइम पीवीसी आता रहेगा। जिसने बचा लिया वो एक बार बेच के बाहर, उसके बाद ठंडा गोपाल कुछ नहीं उसके पास। मैं उनको बता रहा हूँ जो लोग खरीद के पीवीसी बचा, अरे पीवीसी बचा के रखा है मैंने, तो मैं बेच दूंगा, सुबह बेचने के बाद क्या लेगा, उसके बाद तो ठंडन गोपाल कुछ नहीं मिलने वाला। फार्मिंग करेगा तो डेली पीवीसी आएगा, बेच डेली आ रहा लेते जाओ। कमाल का बिजनेस है भाई साहब, जोरदार क्लिपिंग करिए सर, बड़ा शानदार बिजनेस है ये, जबरदस्त। तो ये मेरा छोटा सा प्रेजेंटेशन था कैलकुलेशन पे, अभी आशा करता हूं कि आपका डाउट आज आवाज नहीं आ रही है सर, लेफ्ट होके आइए, लेफ्ट होकर के एक बार फिर आए सर, वेट करें दोस्तों। हाँ मैं ज्यादा लंबा सेशन नहीं लेता हूँ, आपको मेरी आवाज आ रही होगी क्योंकि अभी स्क्रीन मैंने वो करी तो आवाज आना बंद हो जाती है। तो कम समय में अच्छा ज्ञान आपको मिल जाए और उसको सही से यूटिलाइज कर लो। मैं एक बात बोलता हूँ इंग्लिश में, चलो छोटा मोटिवेशन भी दे दो, नॉलेज इज मनी, नॉलेज इज पावर, बट व्हेन इट इज यूटिलाइज्ड, ज्ञान ही सब कुछ है, ज्ञान ही पावर है, ज्ञान ही सब कुछ है, बट जब जब इसका सही से यूज किया जाए। बट देर आर मल्टीपल पर्सन, दोज आर नॉट यूटिलाइजिंग देयर माइंड, दे आर प्लेइंग विद द सिस्टम, दे आर ऑल्सो प्लेइंग विद योर इमोशंस, प्लीज लेट देम वॉन, Don't raise the finger towards the system, otherwise finger will be cut down. इस तरह से बात करिए, इनको वार्निंग करके छोड़ दीजिए, उनको बोलिए तुम्हारी औकात 6 महीने बाद हम दिखाएंगे, अब हम पर्ल वाइन में फार्मिंग करेंगे और 6 महीने बाद आना लेकर के आप, फिर मैं आपसे बात करूंगा आप कहां पर है मैं कहां पर हूं। किसी को भी नीचा मत दिखाओ, डोंट लेट देम, ठीक है, अपने ऊपर हावी मत होने दो, डोंट टेक इट पर्सनली, डोंट गेट पैनिक, अभी जो कुछ होने वाला है, जो कुछ आपको मिलने वाला है, यू नेवर एक्सपेक्टेड, पर्ल वाइन इतना शानदार सिस्टम है, ये लेना जानता है तो देना जानता है, ये बहुत शानदार सिस्टम है, ये ऐसा सिस्टम आ गया धरती पे दोस्तों। मैं आज आपको रिमाइंड करा देता हूं, जब पर्ल वाइन 2015 में आया और 2018 में एटोपूल की शुरुआत हुई, मार्केट में बड़ी बड़ी कंपनी, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी बड़े लेवल पे काम कर रही थी, अच्छे अच्छे लीडर्स थे, छोड़ छोड़ के पर्ल वाइन आ गए, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को खत्म कर दिया। आज ये क्रिप्टो मार्केट में आया है, हमारा टारगेट है क्रिप्टो मार्केट के सारे बिजनेस वॉल्यूम को खा जाना, ये डायनासोर है, बार बार बोला जा रहा है, ये एरी गेरी कंपनी तो टिकेंगी नहीं, जितना उनकी पूरी पूरी दुनिया को जितना पेआउट बांटते उस दिन यहाँ पे फार्मिंग में एक आदमी कमाएगा उतना। तो अब आप सोचो आपकी सिस्टम में सेफ हाथों में है, आपका बिजनेस बड़ा अच्छा है, आपका कभी लॉस नहीं होगा, और ये बीए यहाँ पे चाहे 10 लाख लगा दो 20 लाख तुरंत मिलता है 0.25%, यदि 5 लाख किसी ने लगा दिया ना फार्मिंग में 65,000 पर मंथ का इनकम हो गया बिना टीम के। बट मैं फिर भी एक ही बात बोलूंगा, इन्वेस्टमेंट से पैसा देखो दो तरह से कमाया जाता है, या तो पैसा लगा के पैसा कमाओ और या तो टाइम दे के पैसा कमाओ। मेरे पास तो पैसे नहीं था तो मुझे ये ऑप्शन बेकार लगता है, बट मैंने टाइम को देखा, 24 घंटे आपके पास है, 24 घंटे मेरे पास, इसी 24 घंटे में एक आदमी करोड़ों छाप लेता है, एक एक रुपए भी नहीं छाप पाता, तो टाइम दे करके मुझे सबसे अच्छा लगता है। तो मैंने टाइम दिया, सिस्टम को जनरेट करा, सिस्टम को देखा समझा और पैसे कमा रहा हूं। नेटवर्क जहां खड़ा हो गया वहां नेटवर्थ हो गई आपकी, ये सिस्टम इतना शानदार है, आप नेटवर्क को बढ़ा लो, पर डे आपके घर में दिवाली मनेगी, पर डे मेरी बात नोट कर लो, मैं अक्सर करके बोलता हूँ, खुशियों से भरा दामन हो ना रात हो काली। ए मेरे दोस्तों, आप सबकी जिंदगी में हर रोज हो दिवाली, हर रोज हो दिवाली, इतना शानदार सिस्टम है पर्ल वाइन का, सीड फंडिंग और फार्मिंग को समझिए, इसको इज्जत देना शुरू करिए, ये आपकी
50 साल की रखी हुई पूंजी उसको 2 महीने में क्रॉस कर सकती है। ये एक ऐसा उन लोगों के लिए मौका है, गांव में भूमिहार होते हैं, गांव में जमींदार होते हैं, उनके पास जमीन होती है, लेकिन उसी गांव में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास जमीन नहीं होती। पर्लवाइन ने तो आप लोगों को वो पावर दी है, यदि जमीन नहीं है ना तो यहाँ पे खेती करो और पर डे लाखों करोड़ों छपाओ। भूमिहार भी पीछे रह जाएगा आपसे, जमींदार भी साहूकार भी आपके पीछे पीछे घूमेंगे, इतनी जबरदस्त जमीन है ये, उपजाऊ भूमि है। और दोस्तों आज मैंने पीवीसी मेटा नाम का सीड बीज आपको दिया है, आप में से 3 लोग होंगे इस बीज को ले जाएंगे, एक तो ऐसा होगा जो शर्ट उतार देगा, टांग देगा कुटी है और वो वॉशिंग मशीन में धुल जाएगा, एक ऐसा व्यक्ति होगा आपके बीच में जो इसको ले जाएगा और पीछे घर के पिछवाड़े में लगवा देगा, वो उस महीने में 2 महीने में देखेगा, और एक ऐसा होगा आप में से जो फ्रंट गेट पे लगाएगा, आएगा और जाएगा देखेगा। इन तीनों में से सबसे लास्ट वाला जो गेट पे फ्रंट डोर पे लगाता है इस बीज को, उसी का पौधा बढ़ेगा और वही पैसे कमाएगा, क्योंकि शर्ट में रखा हुआ सीड धुल जाएगा, घर की पिछवाड़े में लगा हुआ, 6 महीने में पीछे जाओगे, होते नहीं है, मैंने पर्लवाइन में अकाउंट खोला था, देखता हूँ कुछ आया कि नहीं आया 6 महीने बाद, तो ऐसे वो बीज लगा के बैठे हैं। और जिसने फ्रंट गेट समझा वो डॉक्टर हुसैन और पता नहीं कौन कौन बन गए, शेर सिंह बन गए, बहुत सारे लोग बन गए। तो मैं आपको यही बोल रहा हूँ, ये एक बहुत शानदार सीड मैं आपको दे रहा हूँ जिसका नाम है पीवीसी मेटा, इसको सीड फंडिंग और पीवीसी मेटा को टोकन फार्मिंग में डालिए। ये एक ऐसी उपजाऊ भूमि है, पर्लवाइन एक ऐसी उपजाऊ भूमि है पीवीसी मेटा डॉट आयो, जहां पे इसको लगा देंगे ना तो आज का लगा हुआ ये पेड़ आने वाली 7 जन्मों को फल देगा। इतना शानदार सीड मैं आज दे रहा हूं, लेकिन दिक्कत यह है कि आप में से 3 लोग होंगे, 2 इसको इग्नोर कर देंगे, 1 इसको लगा लेगा वही पैसे कमाएगा। मैं एक बात बोलता हूं, यदि जंग जीतनी है ना तो जंग जीतने के लिए फौज का ट्रेंड होना बहुत जरूरी है, और यदि आपकी फौज ट्रेंड है और उसको जल्दी से दूसरे देश को परास्त करना, उसके लिए हथियारों का होना बहुत जरूरी है। अब मैं एक बात बोलता हूं कि 2 देशों के बीच में जंग छिड़ी और आपकी फौज ट्रेंड बहुत थी, आपकी फौज को सारी ट्रेनिंग दी गई बट उनके पास हथियार नहीं थे, जंग हारेंगे या जीतेंगे? हेलो रघु जी, आपके पास बटालियन है, आपकी बटालियन आपके पास है, वो ट्रेंड है और जंग के मैदान में वो जा चुके हैं, लेकिन हथियार नहीं, क्या होगा उसका? हार जाएगा, हार जाएगा। और आपकी एक बटालियन है जो ट्रेंड नहीं है पर हथियारों की कमी नहीं है, क्या होगा? जीत जाएगा, हार जाएगा, ट्रेंड नहीं है ना, हथियार चला नहीं है तो उसको भी हार जाएगा। अब आपने करना क्या है, आपका सैनिक ट्रेंड भी हो और हथियार चलाने भी जानते हो, क्या होगा? जाएगा सर, जीत जाएगा। इस पीवीसी मेटा में ये आप ट्रेंड हो गए तो हथियार पीवीसी मेटा का फार्मिंग और सीड फंडिंग है, बस खाली ट्रेंड हो जाओ और हथियार चलाना शुरू कर दो, मैं आपको वादा करता हूँ किसी भी दुनिया के कंपनी के प्लान को ये बीट कर देगा, और ये अभी एरी गेरी कंपनी सब खत्म हो जाएगी जब इसकी पावर पर डे की दिखेगी ना, जब पर डे पैसा आता है ना डबल, ठीक है गांधी छाप, तो हर किसी के बगल वाले को पता है ये बिजनेस टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का है। मैंने पिछली ट्रेनिंग बोला था, हम ट्रेनिंग देते ना तो हम उसमें बोलते हैं, हम ट्रेनिंग देते हैं तो उसमें बोलते हैं हम टेंशन लेते नहीं, हम टेंशन देते हैं। देखिए एक व्यक्ति का $50 पर डे आएगा, बगल वाले की जलन हो जाएगी, अरे यार ये तो बहुत आगे बढ़ गया, फिर बोलेगा भाई साहब बड़ी दिक्कत लो, बोला भाई साहब पीवीसी मेटा कर ले, दिक्कत परेशानी खत्म हो जाएगी। तो हम टेंशन लेते नहीं, हम टेंशन देते हैं। अभी जितने हमारे दुश्मन है ना सबको टेंशन नहीं पड़ी यार, अगली चाल क्या होगी पर्लवाइन की, अगली चाल इतनी भयंकर है दोस्तों, मार्केट मैरी करी कंपनी अभी से हिलने लग गई, और वेट करिए 30 तारीख का क्या होने वाला, आपने सोचा नहीं। तो बहुत ही गजब का प्लेटफॉर्म है दोस्तों, इतना ही बोलूंगा। आज की ट्रेनिंग में आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया और इस लायक समझा तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और एक छोटे से व्यक्ति को आपने इनवाइट किया इसके लिए मैं सदा आभारी रहूंगा आप लोगों का। बट मैं एक बात बोलूंगा, यदि आपने अपनी फैमिली को आज भी ये मौका गंवा दिया तो बहुत बड़ा धोखा दे रहे हैं आप। ये बड़ा शानदार मौका है, कुदरत का करिश्मा है, कुदरत ने हर व्यक्ति से वादा किया है कि मैं हर जिंदगी में हर आदमी को 3 मौके दूंगी, बट वो मौके आते हैं तो कांटों भरे होते हैं, हम उसे समझ नहीं पाते।
बट आज तो मैंने आपको बिल्कुल डायरेक्ट बता दिया, ना काटा है ना कुछ, आज तो डायरेक्ट बता दिया, ये बहुत शानदार मौका है, सिर्फ ग्रेव इट नाउ, इसको करिए और अपनी जिंदगी में एक मिठास भरिए, और इन लोगों को जो आपको बरगलाते इनको भी थोड़ा समझाइए, ऊपर वाला इनको भी सतबुद्धि दे और इनको भी लॉस ना हो, हम भी ये चाहते हैं, क्योंकि मेरा एक सोच है कि कोई भी आदमी, कहते हैं ना कि हम भी प्यासे ना रहे, वो एक कहावत है ना, कोई इसको पूरा करेगा, स्वामी इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, साईं भूखे ना रहे, साईं इतना दीजिए, कैसे बोलते, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु दूसरा भूखा ना जाए। तो ये पर्लवाइन का सिस्टम उसी लेवल पे काम कर रहा है, और मैं बोलता हूँ जो गरीब लोग बेचारे, जो बिल्कुल जिनके घर नहीं है, आप मेरी बिलीव मेरी बात करिए, उनका 5,000 का सीड फंडिंग करवा देना, सच बता रहा हूँ, 2 साल बाद बहुत शानदार घर बन जाएगा उसका, ऐसे लोगों की दुआ लीजिए, बरगलाओ मत किसी को, ठीक है, डोंट यूज देम, इफ यू यूज द पर्सन यू विल गेट वन टाइम रॉयल्टी, बट इफ यू डेवलप द पर्सन यू विल गेट लाइफ टाइम रॉयल्टी, इसलिए किसी का यूज मत करो, हमेशा विकास करो, क्योंकि यूज करोगे तो एक बार कमा सकते हो, बार बार नहीं, लेकिन यदि डेवलप कर दिया तो लाइफ टाइम पैसा कमाओगे। और मैं एक बात बोलता हूँ, किसी को भीख देने से बढ़िया उसे 10 रुपए कमाना सिखा दो, जिंदगी भर दुआ देगा, भीख दोगे वन टाइम खाएगा याद करेगा, लेकिन यदि 10 रुपए कमाना सिखा दे पर डे कमाएगा पर डे याद करेगा। इन्हीं वर्डों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और मैं इन्वाइट करूंगा मिस्टर रघु जी चौधरी जी और अनिल जी, क्या पाए इसमें कोई एक मंच पर, और प्लीज आगे की कार्रवाई करें, और ज्यादा समय ना लेके 15 मिनट उसको वाइंड अप करें, क्योंकि अजय मोहिस्टर के मंच पे भी सबने जाना आप सबने, ठीक है जी। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू, कैसा लगा फीडबैक जरूर दें, क्योंकि एक प्रोफेशनल ट्रेनर को फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, थैंक यू।